प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैम, माय नेम इज़ एका सोनी। आई हैव बीन देयर फॉर 18 ईयर्स इन दमो। आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम सेंट जॉन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। देर आफ्टर आई हैव मूव टू पुणे भारतीय विद्यापीठ। आई डन माई अंडर ग्रेजुएशन इन BLLB कोर्स फ्रॉम देयर इन 2020। देर आफ्टर आई हैव कम टू सागर हरिशंकर विश्वविद्यालय। आई डन माई मास्टर्स फ्रॉम देयर। देर आफ्टर सर ऑल्सो हरिशंकर इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ MP। एंड सर आई हैव सिक्स मेम्बर्स इन माई फैमिली। ऑफ देम माई मदर एंड फादर। फादर इज अ एक्स रिटायर फॉर्मर बिजनेस मैन। ही इज रिटायर्ड फ्रॉम बिजनेस। एंड देन सर माई मदर इज अ हाउस वाइफ। आई थ्री एल्डर सिस्टर्स। टू ऑफ देम आर मैरिड एंड वन इज फ्री लैंसिंग फ्रॉम होम। ओके आपका नाम बहुत यूनिक है, व्हाट डज इट मीन? इफ द ऑनरेबल बोर्ड में परमिट, आई वुड लाइक टू नरेट द स्टोरी बिहाइंड द सेम। श्योर। सिंस मैम आई हैव थ्री सिस्टर्स, देयर नेम स्टार्ट्स विथ एस। सो वैन आई वॉज बॉर्न ऑन एकादशी, माई पेरेंट्स थॉट वाई नॉट चेंज द ट्रेंड एंड कीप नेम विथ ए। सो दे माई दे केप्ट इन एकादशी फ्रॉम एका, मतलब फ्रॉम एकादशी दे केप्ट एका। एंड इन संस्कृत दिस मीन्स 11th डे। एंड देर आर टू स्टोरीज बिहाइंड एकादशी सेलिब्रेशन। वन इज साइंटिफिक एंड वन इज माइथोलॉजिकल। इन साइंटिफिक दे से यू हैव टू कीप कंट्रोल ओवर 11 ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। एंड इन माइथोलॉजिकल दे से देवी एकादशी वॉज बॉर्न आउट ऑफ विष्णु टू वैनिश ऑल द सिंस फ्रॉम अर्थ। यस सर, आई श्योरली फील दैट जस्टिस इज द ओनली मोटिव विच इज बिहाइंड माई डूइंग जुडिशरी एंड क्रैकिंग MP सिविल जज। Why do you want to become a judge? मैम, देर आर फोर व्हील्स ऑफ टू विच माई थिंक ऑफ बिकमिंग जज इज कंसर्न। टू आर वेरी पर्सनल एंड टू आर वेरी प्रोफेशनल। वैन टॉकिंग अबाउट पर्सनल, फर्स्ट इज दैट दिस पोस्ट हैज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वर्क लाइफ बैलेंस, विच इज आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड विद द सेम। सेकेंड इज माई पेरेंट्स ऑलवेज वॉन्टेड टू सी मी एज जज। एंड वैन टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल एस्पेक्ट ऑफ इट, विच गियर्स मी टू डू माई बेस्ट, is first is this post has continuous enhancement of knowledge with no political interference. And last, to conclude sir, I want to do justice with my own pen and paper. Okay, agar aap select nahi hoti to what will be your next step? You'll prepare again? Yes ma'am, since being a judicial officer is only my aim, I will again prepare for the same. You have earlier also appeared for one of the exams. Yes ma'am, I have given MP सिविल जज। आई हैव नॉट क्लियर्ड मेंस लास्ट टाइम। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या कमियां रह गई थी और आज आप क्या साथ आए हैं? मैम, आई थिंक द विच ऑन इन द एरिया विच आई लैक्ड वाज इन राइटिंग स्किल्स, विच आई वर्कड अपॉन एंड आई हैव इंप्रूव्ड अ लॉट। एंड देन अगेन आई हैव गिवन MP सिविल जज। सो सर, सिंस आई हैव वर्कड ऑल टू माय बेस्ट ऑफ माय वर्क, बट देन विच आई एंजॉय रीडिंग इज Indian Evidence Act. Indian Evidence Act. All right. Who can record a statement during investigation? Okay, sir. Sir, statement or confession? Statement. Sir, Judicial Magistrate, First Class, and Metropolitan Magistrate. Both of them have the power of recording confession as well as the statement. All right. Can the police record statements during investigation? Yes, sir. They have to put it in diary, police diary, if they think that statement would benefit their case. If a statement is given to the police officer, to the investigating officer during investigation, what is the evidentiary value of the same? Pardon me, sir. Can you please repeat the question? If a statement is given by a witness to an investigating officer, yes, during investigation, yes, what is the evidentiary value of the same? So it can be used if it is proved in the court, and if it can be used as contradictory evidence if it is proved for contradicting the person under 145 Indian Evidence Act, and also for corroboration 157. Also for corroboration. So when investigating officer is admissible. So if it is proved, not it is a weak kind of evidence, not substantial. Okay, then what is the significance of recording statements of witnesses during investigation before a magistrate?
Sir, this is a statement or confession. It is a strong kind of evidence. It has more basis than a statement which is recorded in front of police officer. If a person is arrested and he is brought before a magistrate during investigation, Yes. because police keep an arrested person beyond 24 hours Yes, sir. without producing Yes. him before the Yes, sir. magistrate, so they wish to extend the custody and they produce the arrested person before a magistrate. Suppose magistrate grants custody of 15 days, what can be the nature of this custody? So it can be police, and it can be, sir, first, if they're asking for police custody, then judicial officer can give police custody for 15 days limitation. But then if after then they're asking for custody, then the judicial officer has to give it to for respectively, depending upon the case, 9 for 60 days or 90 days in judicial custody. Okay. Can the magistrate give judicial custody during the first 15 days? Sorry, sir, I'm not able to form the. If the police wishes to take the police custody, he can take for 15 days. But if the magistrate is of the opinion, are you not willing to give police custody then? Sir, then it can give judicial custody. All right. What are the terms of the preference under CPC? Okay, sir. Sure, sir. Reference is provided under Section 113. It is when law, when there is a point where it is required for validation, or sir, I'm not able to recollect the words given, but then on law or fact where it is no, nor Supreme Court nor High Court has formed opinion on the subject, and the court thinks fit that this point in law is not correct, then it can refer the case to High Court for the reference. Okay, and what are the grounds for revision under CPC? Sir, revision is provided under Section 114, which provides it is small causes court when case is decided by small causes court in revision, or there is a sorry, sir, I'm not able to recollect. All right, suppose a decree is passed by a fine vote. So, sir, can I just repeat? I am able to recollect it now. Can I? All right, go ahead. Sir, when the case is, when there is an appeal and it has not been taken up by the person, and when the appeal is yes, sir, one that the one I can recollect is when there is appeal and person has not taken up the appeal. All right. Suppose a decree is passed by a foreign court, Yes. can it be directly executed? There are two methods to execute it, sir. Once that the court has, the person has to take it in the court for execution, and second, I am not able to recollect. All right. You have done your law from RTPTP Pune. Yes, ma'am. It is a deemed university. Yes, ma'am. What does it mean? Ma'am, deemed universities are other universities which are not of higher education. It is provided in the Section 3 of UGC Act. Okay. And what was the purpose of pursuing LLM? Ma'am, since when I look at my past, I have taken 1 year gap for my CLAT preparations, and I felt that those years were not productive. And the thing which I could have achieved in my professional growth, I couldn't have achieved in that last 1 year. So, ma'am, why not? I thought, why not take LLM and pursue it while preparing for my judicial examination? So I decided to pursue LLM. What was your specialization? Ma'am, it was general LLM, no specialization. Okay. And have you written your dissertation? Yes, ma'am. What was the topic? Ma'am, it was right of self-incrimination vis-a-vis Criminal Procedure Identification Act 2020. Okay. What was the hypothesis? Ma'am, hypothesis was to balance the right of self-incrimination and Criminal Procedure Act, and the these Criminal Procedure Identification Act is in parallel with Criminal Procedure Act. Okay, and what you concluded? Ma'am, since all of those acts and case laws and this act also suffice says clearly that testimonial statements are against self-incrimination and not mechanical statements, which means that you can take DNA, fingerprint, or writing sample, anything of that sort, which is kind of mechanical and not testimonial in nature. All right.
Or you have interned with Human Rights Law Network. Yes, ma'am. What is the difference between human rights and legal rights? Ma'am, human rights are basic rights which are given to us by virtue of being born. Since we are born, we are given. And legal rights are which are provided in the statute or any other form of law. Did you file any PIL while working with HRLN? No, ma'am. Since internship was for a period of 1 month, we have gone to Bhagpiparia, a village near Bhopal, Raisen. It is in Raisen. There we have seen scheduled castes and scheduled tribe person was murdered, and in that content they were given. We have gone to ask the facts about it, and so we went there about the same. So you didn't participate in either drafting or presenting it. No, ma'am. Okay, what is PIL? It is public interest litigation. Ma'am, you are asking about who has to file, or ma'am, any person can file it, be it private or public. The right has to be public in nature to be contested. In that case, public interest litigation can be filed. Okay, what is 102nd Constitutional Amendment? Ma'am, 102nd Constitutional Amendment is regarding other backward caste classes, 342. Yeah, three. Nay, sorry, ma'am, 338B. It was regarding OBC. Yes, ma'am. This is what I can What give. is temporary injunction? Temporary injunction is given under Order 39 of CPC. It is given when a person, when the property is about to be disposed of, or there's a nature where person feels that property would be is in danger. Then the court, he can approach court for temporary injunction, and in that case, court can grant 1 month of civil prison or attachment for 1 year. And in that, in if in case the attachment continues for 1 year, after 1 year, the court can order say for the sale. And how preventive relief can be granted? Preventive relief is provided in Specific Relief Act, just from Section 36 to 42. Preventive relief, it can be of mandatory and prohibitory nature, temporary or permanent. But then preventive relief in SRA is provided for permanent in nature, perpetual. Ma'am, do you want me to give the detail about the same? You belong to Damo? Yes, sir. Damo के adjacent और दूसरी कौन से districts हैं? Sir, districts, sir, it is छत्तीस टीकमगढ़, पन्ना, कटनी, सर ऑन अपसाइड सागर. दैट्स ऑल आई कैन रिकॉल सर. ऑलराइट, यू हैव आल्सो इंटर्न विद मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यस सर, एम्प्लॉयमेंट. यस सर, ऑलराइट, सो कैन यू नेम सम स्टैट्यूट्स दैट डील विद लेबर लॉज इन इंडिया? यस सर. सर, व्हेन आई वाज वर्किंग देयर वर थ्री टू इन शॉर्ट वी वर डीलिंग विद. वी वर गिवन वर्क फॉर लेबर कोड बिल विच इज स्टिल नॉट एनफोर्स्ड बट हैज बीन पास्ड. वी वर गिवन द वर्क फॉर अलॉट नोटिंग डाउन इन अ टेब्यूलर फॉर्म ऑफ द मिनिस्ट्रीज द ओपिनियन ऑफ द मिनिस्ट्रीज अबाउट द एक्ट. वी वर गिवन द सेम वर्क. सो इफ द ऑनरेबल बोर्ड में परमिट, आई वुड लाइक टू टेल I just अबाउट wanted to know a few statutes which दैट. deal सर, with कैन आई labor. जस्ट the enforced the past statutes or the one which are in. Which are already in Okay sir. existence. Sir, so one is Minimum Wages Act. Sorry sir, that is all I can recall. All right. Okay, guys, you want to be the one. Thank you sir. So, how was the experience? It was good, I feel. Was good. All right. Anything that you feel कि क्या 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 अच्छा था तुम्हारे So I think I was missing out in law points because of nervousness or maybe something like that. And overall, I think it was okay, but then I was missing out in law points. I knew it, sir, but then I was not able to recall it at the moment. All right. See, my observation is कि एक तो ये चीज की आंसर्स बहुत ज्यादा इलाबोरेटेड है, मतलब इट इज नॉट टू द पॉइंट. Okay. मतलब वी आई हैव आस्क्ड यू समथिंग एंड यू आर टेलिंग मी द होल स्टोरी अराउंड इट और समथिंग लाइक दैट. सो बहुत टू द पॉइंट आंसर नहीं है, स्पेशली लॉ में तो इट शुड बी टू द पॉइंट. यस सर, ठीक है, पर्सनल वाले में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट वहां भी कोशिश करो इट शुड बी प्रिसाइज.
बट लॉ में तो देर शुड बी टू द पॉइंट आंसर्स, और वो आंसर्स टू द पॉइंट नहीं लग रहे थे उतने, है ना। मतलब वो कह रहा है कि पूछ आप जो भी रहे, हमें जो आता है हम वो बता देंगे, उससे रिलेटेड कुछ इस टाइप का एक इम्प्रेशन थोड़ा सा आ रहा है ना। और थोड़ा सा बेसिक प्रोविजंस को रिवाइज करना पड़ेगा, जैसे पुलिस को दिए हुए स्टेटमेंट की एविडेंशियल वैल्यू, बेसिक क्वेश्चन किसी को एविडेंशियल वैल्यू होती नहीं है, क्लियरली 162 में दिया है, द ओनली यूज इज कॉन्ट्राडिक्शन, नो कोरोबोरेशन, नो कोरोबोरेशन, ओनली कॉन्ट्राडिक्शन, दैट्स इट। 145 का जो लेटर पार्ट है एविडेंस एक्ट का, उसके हिसाब से कॉन्ट्राडिक्शन बस हो सकता है, इसके अलावा स्टेटमेंट की वैल्यू एज सच नहीं है। डाइंग डिक्लेरेशन 27 इज एन एक्सेप्शन टू दैट। तो थोड़ा सा ना ये बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर एक बार रिवाइज करना। दूसरा थोड़ा सा जो कम्युनिकेशन का तरीका है, मे बी बिकॉज ऑफ नर्वसनेस या आई डोंट नो, बट थोड़ा सा वॉल्यूम भी तुम्हारा कम होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा वो ब्लंट लग रहा है द वे यू आर स्पीकिंग। यू हैव टू बी केयरफुल बिफोर द बोर्ड, है ना। और बीच बीच में इंटरप्शन भी हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था, मतलब जो आप बोर्ड से बार बार ये परमिशन मांग रहे हैं ना कि बहुत इलाबोरेट करने का, उसको अवॉइड करना थोड़ा। ओके सर, वो ऐसे देख रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि मैं उनको पूछूं कि और बताना है कि नहीं बताना है। लेट यू कंप्लीट योर आंसर और वो वहां से फिर अपना जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा दे विल डू इट। ओके दे विल डू इट बाय देमसेल्फ, है ना। तो थोड़ा सा ये एक दो चीजें हैं, थोड़ी सी हम्बलनेस और रखनी पड़ेगी। इट इज मे बी बिकॉज ऑफ नर्वसनेस, है ना, बट देयर शुड बी, मतलब जिस तरीके से बोल रही हो तुम, जो बात कर रही हो वो उतना हम्बल नहीं लग रहा। द वे यू आर स्पीकिंग, कैसे करूं उसको इंप्रूव, मेरे ख्याल से वो बिकॉज ऑफ नर्वसनेस ही है। सर इन वे ऑफ टॉकिंग, और जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है कि हाँ बिल्कुल, तो ये वाली चीज होनी चाहिए, थोड़ा सा ठहराव के साथ बोलो। और एक चीज और कि लॉ के क्वेश्चन में तुम तुरंत आंसर स्टार्ट कर दे, फिर तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा कि मुझे क्या बताना है, एंड देन यू आर सेइंग कि नहीं पता है, या फिर बाद में तुम्हें याद हो रहा है। टेक अ पॉज आफ्टर द क्वेश्चन, टेक अ ब्रीफ पॉज, थिंक अबाउट इट एंड देन स्टार्ट योर आंसर। थोड़ा सा स्ट्रक्चर करके आंसर करोगे ज्यादा बेहतर आंसर होगा, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन खत्म हुआ, हमने स्टार्ट तो कर दिया बट हमें पता नहीं क्या बताना है, एक दो चीज हमने बताई उसके आगे पता नहीं। तो इट्स बेटर दैट यू लिसन टू द क्वेश्चन, टेक अ स्मॉल पॉज एंड देन स्टार्ट योर आंसर, ठीक है। इतना सा इम्प्रूवमेंट अगर हो जाएगा तो इट विल बी गुड। आई हैव सिमिलर रिव्यूज, थोड़ा सा शॉर्टर क्रिस्प होना है अपने आंसर्स में, लाइक जब नाम का मतलब था तो बस इतना बता देना चाहिए था कि माइथोलॉजिकल और साइंटिफिक दोनों है, फिर उन्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इफ दे आस्क यू व्हाट इज द साइंटिफिक रेलेवेंस या माइथोलॉजिकल रेलेवेंस, देन यू कैन गो फर्दर विद इट। लाइकवाइज लॉ में भी, मतलब जैसे बोर्ड ने नया क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया और याद आ भी गया है तो लेट इट बी, मतलब वो बोर्ड दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा फिर आप बीच में इंटरप्ट करोगे तो वो उतना सही तरीका नहीं है। प्लस जैसे अभी आपका जो वॉइस मॉड्यूलेशन है दैट इज फाइन, जैसे अभी आप बोल रहे हो, लेकिन जब आप आंसर्स दे रहे थे तो इट वाज टू लाउड, एक्चुअली आई एम टू लाउड, आई मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ क्लास टाइम, मेरी आदत है मैम तेज बोलने की और जल्दी बोलने की, तो नहीं नहीं वो तो यही चीज, तो वो देखो लॉ का नॉलेज उन्होंने प्रीलिम्स और मेंस में भी टेस्ट कर लिया है, नाउ दे आर गोइंग टू टेस्ट योर पर्सनालिटी, इसीलिए इसे पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है। सो यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस कि किस तरीके से बात करनी है, थोड़ा सा ठहराव लाना है। मैं भी अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत फास्ट बोलती हूँ, बट राइट नाउ as we are in an interview we have to maintain that posture, we have to speak accordingly, aur ye sari cheeze jab aap bahut tez bolte ho ya bahut blunt bolte ho ye sari cheeze wo under confidence mein consider kar lete hain, that was because of that consciousness, aisa lag raha tha ki aap bahut tez bol rahe ho, ab bol sakte ho kyunki abhi to aap waise hi baat kar rahe ho, ha abhi it is normal, abhi it is very normal, so just ye tone mein bol rahe ho, bilkul bilkul, this should be your voice modulation, there should be the speed and everything। मैं हंस रही थी क्या बोलने को, क्योंकि मैंने कुछ ऑनलाइन मॉक लिए तो उसने बोला कि आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा स्माइल है, हाँ मुझे भी एक दो जगह ऐसा फील हुआ था। और आंसर इलाबोरेट बहुत ज्यादा, जैसे जब PIL वाला भी पूछा तो सिर्फ बता दो कि फाइल किया है नहीं या क्या होता है, फिर उसका जो केस हिस्ट्री था वो सिर्फ तब बताना है जब उन्होंने पूछा हो कि क्या है, अगर नहीं फाइल किया खुद जाकर के प्लीड नहीं किया है देन इट्स ओके, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, आप अपनी तरफ से क्रिस्प आंसर दे दो, दैट्स इट। बाकी फिर दे मे लुक एट यू और समथिंग लाइक दैट, तो मैं ऐसा लग रहा है कि कुछ और उनसे पूछ लूं क्या,
मुझे लगा कि बहुत जल्दी हम स्विच कर रहे हैं, ठीक है, तीनों मेंबर्स से आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए, बट मुझे ऐसा लग रहा था बहुत जल्दी स्विच हो रहा है, बहुत जल्दी मुझे मुझसे हो रहा है यो स्विच टू हर, तो वो जो स्विचिंग ऑफ आई कांटेक्ट है वो ज्यादा है, थोड़ा सा उसको भी लिमिट कर सकते हैं, ठीक है, जिसने क्वेश्चन किया आप उसको मेजरली आप उन पैनल मेंबर को भी एड्रेस करोगे, बट हाँ बाकी सबके साथ भी बीच आपको मेंटेन आई कांटेक्ट, बट वो बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली वो हो रहा है ऐसा मुझे लग रहा था, तो थोड़ा सा उसको भी कम कर सकते हैं। अभी जब तुम बात कर रहे हो तुम्हारा आई कॉन्टेक्ट भी एकदम बढ़िया है, अभी सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है सर, आई ट्राई, यू जस्ट हैव टू बी लाइक दिस, ओके सर, और थोड़ा सा बेसिक प्रोविजन और एक बार याद कर, अभी तो यू हैव टाइम, ठीक है, बाकी तो ठीक है, बस ये वाली एक दो चीजें हैं, थोड़ा सा इनको इम्प्रोवाइज कर लोगे तो ठीक है बेटा, ठीक है।